Ladies and gentlemen, welcome. Thank you for tuning in. Today we will learn, आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक सफल लीडर बन सकते हैं. How can we become a successful leader? We all want to be leaders, but there are some things that a leader need to think. कुछ बातें ऐसे हैं जो एक लीडर को सीखना है, जो एक लीडर को समझना है, जो एक लीडर को अपने मन के अंदर उसको उसको गार्ड के रखना है, गार्डन की तरह रखना है. सो हम सीखेंगे, व्हेन यू बिकम अ लीडर, द फर्स्ट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू रियलाइज इज दैट यू नीड टू बिकम अ प्रॉब्लम सॉल्वर. आपको एक समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए. जब तक आप एक समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति नहीं बनेंगे, तब तक एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल लीडर कभी नहीं बन सकते. आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है, आपको एक सफल लीडर बनना है, तो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर यानी कि समस्या सुलझाने वाला व्यक्ति बनना चाहिए. देखिए, जब तक हम समस्या से भागते रहेंगे, हम भागते ही रहेंगे. हम जब उसको सामना करना सीखेंगे, जब हम उसको फेस करना सीखेंगे, then obviously the situations will be changed, the parameters will be changed, everything will change when we start facing the problem. So जब आप हम देखते हैं मार्केट को उल्टा के हम देखें, तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो फेल हो गए. मोटोरोला, नोकिया है ना, टाटा नैनो, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जो आप और हमारे चारों ओर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स आए जो स्प्रैंग अप, बट इन द मीनवाइल ये चले गए. सो कारण क्या है कि उन्होंने कारण यही है कि उन्होंने अपने कमजोरी को नहीं देखा, अपने समस्या को नहीं देखा, अपने प्रॉब्लम्स को नहीं देखा, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश उन्होंने नहीं किया. बट एज वी टर्न बट एज वी ट्राई टू बिकम अ लीडर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट यदि हमें अच्छा बिजनेस करना है, तो हमें एक अच्छा लीडर बनना है, तो हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा. हमें समस्या से भागना नहीं है, हमें समस्या को डट के सामना करना है. एंड द सेकंड थिंग आई वुड लाइक टू टॉक टू यू टुडे इज बिलीव इन द प्रोडक्ट दैट यू हैव. आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको विश्वास कीजिए. देखिए, आपके सोच का भी एक उपस्थिति होता है. ये थॉट्स हैव has a presence. आपका सोच का एक उपस्थिति होता है. आप क्या सोच रहे हैं, लोग उसको सेंस कर पाते हैं. आप क्या समझ रहे हैं, आपका दिमाग में क्या चल रहा है, लोग आसानी से उसको समझ पाते हैं. That is why कहते हैं कि आपका सोच जो है वो करंट्स की तरह है. करंट यानी कि बिजली की तरह है जो हवा में बह रही है. हवा में बहने वाले बिजली को कौन महसूस नहीं कर सकता, हम सब महसूस करते हैं. सो यदि हमारा सोच, हम अंदर ही अंदर डाउट कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको कह दूं कि डाउट इज वेरी डेडली. आपका जो शंका जो है वो बहुत भयानक होता है. ये आपका सारा साम्राज्य को तबाह कर सकता है. सो डाउट इज वेरी डेडली. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू that your thoughts is like currents which move through the air. Okay, so और ये thoughts जो हैं आपके और लोगों को खींचने के लिए काबिल है, या तो आपसे लोगों को भगाने के लिए काबिल है. आपका सोच ही इस बात को निर्भर करता है, इस बात में निर्भर है कि आपके और लोग आएंगे या तो आपसे दूर लोग भागेंगे. Your thoughts are very important. Your attitude can be sensed. Okay? Your attitude can be sensed. आपका attitude जो है, उसको लोग समझ पाएंगे, आपके attitude को लोग sense कर पाएंगे. You will never succeed in any business unless you believe in that business. जब तक आप अपने business के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी business में सफल नहीं हो पाओगे. यदि आपको सफल होना है, तो आपको अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास करना है. लेट मी आस्क यू समथिंग, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूं. क्या आप अपने प्रेजेंट रिजल्ट से, अपने प्रेजेंट पे से, अपने प्रेजेंट जॉब से, आपके प्रेजेंट जो स्टेटस है, बिजनेस स्टेटस, उससे डिस्करेज्ड हैं, आप निरुत्साहित हैं? क्या आपको आशा विहीन आपको महसूस हो रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, भाई मेरा तो चला गया, मैं जो भी करता हूं मैं फेल ही होता हूं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते? आप अपने आप को पूछिए कि आपने अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दिन में आप कितने घंटे दे रहे हैं,
अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप दिन में कितना घंटे दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, परंतु हम अपने आप को नहीं देखते। लेट मी टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी, एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक लकड़हारा था जो जिंदगी में कुछ करना चाहता था और काम की तलाश में वो घूम ही रहा था। अचानक से एक व्यक्ति के पास उसे काम मिला और उस व्यक्ति ने पूछा कि आप क्या काम जानते हो। उसने कहा कि मैं लकड़हारा का काम जानता हूं। तो उस व्यक्ति को कहा गया कि जाओ तुम जंगल में जाके, आज जाके तुम कुछ लकड़ी काट के आओ। तो वो व्यक्ति अपना जो जो एक्स जो होता है, अपना जो जो काटने वाला हथियार जो होता है, वो एक्स लेके वो जंगल में चला गया। उसको बहुत अच्छा से धार किया और चला गया और जाके उसने एक दिन में 500 लकड़ी काटा। और 500 लकड़ी काट के जब वो लौट के आया तो मालिक बहुत खुश हुआ और मालिक ने शाबाशी के साथ उसे कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाशी, यू वेल डन माई हम्बल सर्वेंट, यू हैव डन वेरी वेल। सो उसे शाबाशी मिली और वो बहुत खुश हो गया और खुश होते हुए घर चला गया। और दूसरा दिन भी आया, दूसरा दिन भी वो फिर से उसी प्रकार से वो अपना अपना एक्स लेके, वो अपना हथियार लेके वो जंगल में गया और उसने काटा, अपना कुल्हाड़ी लेके, सॉरी आई डिडंट गेट द राइट वर्ड, वो कुल्हाड़ी लेके जंगल में गया और फिर से काटने लगा। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आज वो 500 नहीं काट पाया, केवल 400 काट के आया और वो थोड़ा निराश हुआ। लेकिन मालिक ने कहा कि तुमने बहुत ही अच्छा किया, 400 काटा। लेकिन कल वाला जो एक्साइटमेंट मालिक का मुंह में था, उसका बॉडी लैंग्वेज में था, वो नहीं था। इसको देख के वो लकड़हारा थोड़ा निराश हो गया और वो लौट के निराशा के साथ वो घर चला गया। और तीसरा दिन भी आया और तीसरा दिन उसने 300 ही काटा। अरे क्या हो रहा है ये? और मालिक ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 300 काटा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा दिन हुआ, 200 काटा, पांचवा दिन 100, और वो सोचने लगा और उसे ऐसा लगा कि मेरा शरीर जो है वो नाश होते जा रहा है, मैं कमजोर होते जा रहा हूं, मेरा एनर्जी जो है वो खत्म होते जा रहा है। इसलिए वो निराश होकर गांव छोड़ के जा रहा था। रास्ता में एक ज्ञानी व्यक्ति उससे मिला और उस ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कि मैं देश छोड़ के जा रहा हूं, मैं अपने गांव छोड़ के जा रहा हूं, अपना काम छोड़ के जा रहा हूं। क्यों? उसने कहा ऐसा ऐसा कारण है। ये सारा कहानी उसने बताया और उसने कहा तुम्हारा ताकत और तुम्हारा शक्ति खत्म नहीं हुआ है, केवल तुम्हारे कुल्हाड़ी का धार जो है खत्म हुआ है। अपने कुल्हाड़ी को जाके फिर से शार्पन या एक्स राइट नाउ, गो बैक, अब लौट के जाओ और अपने कुल्हाड़ी को फिर से धार लगाओ। और वो चला गया और धार लगाया। So this is what we are, brethren. This is what we are, my dear friends and family, ladies and gentlemen. कि जब तक हम अपने कुल्हाड़ी को धार नहीं लगाएंगे, हम ज्यादा लकड़ियां काट नहीं पाएंगे। If you want to be successful, then focus on yourself, emphasize on yourself, self-examine yourself. अपने आप को examine कीजिए, अपने आप को जांचिए, परखिए और अपने आप को देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आदि इत्यादि। ओके, एंड वन बॉटम लाइन आई वुड लाइक टू टेल यू इज इन्फॉर्मेशन ब्रीड्स सक्सेस। Information breeds success and all the things. Information breeds confidence. जब हम information को लेते हैं, जब हम सीखते हैं videos के द्वारा, teachings के द्वारा, किताबों को पढ़ने के द्वारा, series को सुनने के द्वारा, जब हम सीखते हैं तो उससे हमारे जीवन में confidence आती है और confidence के माध्यम से हम संसार के कोई भी युद्ध जीत सकते हैं प्रियो। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो है never misrepresent your products. कभी भी अपने प्रोडक्ट को मिसरिप्रेजेंट मत कीजिए, क्योंकि जब आप अपने प्रोडक्ट को मिसरिप्रेजेंट करते हैं, मतलब गलत प्रकार से उसको लोगों के आगे रखते हैं, जो आप नहीं कर सकते वो आप कहते हैं, जो आप दे नहीं सकते आप उनको बोलते हैं कि आप देंगे, जो आपका कंपनी में मिलना ही नहीं है, जो आपका मिनिस्ट्री में होना ही नहीं है, जो आपका सेवकाई में आप करते ही नहीं है, वो आप कहते हैं कि मैं ये दूंगा। आप झूठा प्रॉमिस जो है, झूठा प्रतिज्ञा कभी मत कीजिए, क्योंकि लायर्स विल इवेंचुअली बी एक्सपोज्ड, क्योंकि झूठ बोलने वाले कभी ना कभी पकड़े जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं। बाइबल में, बाइबल धर्मशास्त्र प्रोवर्ब्स यानी कि हितोपदेश, नीति वचन कहते हैं हिंदी में, नीति वचन 28 अध्याय का 13 पद में कहा गया है ही दैट कवर हिज सिन शैल नॉट प्रॉस्पर, यानी कि जो अपना पाप को ढकता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। सफल होने के लिए You need to come up, you need to bring up yourself, अपने आप को दिखाना है, अपने आप को प्रस्तुत करना है।
And the other point I would like to discuss here is go where the people are, जहाँ लोग होते हैं. ज़्यादातर हम वहाँ जाते हैं जहाँ मैदान होता है, जहाँ खाली होता है, हम वहाँ comfortable होते हैं. But you need to come out of your comfort zone. जब तक हम अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे. वहाँ जाइए जहाँ आपके जहाँ लोग हैं, जहाँ इंसान बसते हैं. Go find them. एक्टिवेट योर सेल्फ, उन्हें मिलिए और अपने आप को एक्टिवेट कीजिए. अपने अंदरूनी जो भी असामर्थ है उसको मारिए, अपने आप को एक्टिवेट कीजिए. मूव टूवर्ड्स नेबर्स, अपने नेबर्स के पास जाइए, अपने फैमिलीज के पास जाइए, अपने फ्रेंड्स के पास जाइए. यू मे फील शाय और टिमिड, आपको लज्जा आ सकता है. टिमिड मतलब एक प्रकार का आपको मतलब ऑकवर्ड फील हो सकता है, ऑन ऑफ ऑफुल फील हो सकता है. बट दैट doesn't make a difference if you are really concentrated on your dreams and goals. यदि आप अपने dreams और सपनों को देखते हो, अपने goals को देखते हो, तो ये बात मायने नहीं रखते. आप लज्जा मत कीजिए, आप awkward feel मत कीजिए, आप timid feel मत कीजिए, shy feel मत कीजिए. जाइए, क्योंकि आपके सपने इस लज्जापन से बहुत बड़ा है, आपके उद्देश्य इन छोटे छोटे बातों से बहुत बड़ा है. So you need to come out from your comfort zone. अपने comfort zone से बाहर निकल लिए. एक English में कहते, you will never possess what you are unwilling to pursue. जो आप पाना नहीं चाहते उसको आप कभी नहीं पा सकते. यानी कि आपको कोई भी चीज आप पाना चाहते हो तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको शिद्दत से लगना पड़ेगा. ओके, सक्सेसफुल पीपल आर रीचर्स. जो लोग सफल होते हैं वो लोगों के पास पहुंचते हैं. वो घर में बैठ के जापान नहीं देखते, वो घर में बैठ के अपने सक्सेस के कैलकुलेशन नहीं करते. वो घर से निकलते हैं, जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो घर से निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने पड़ोसियों से मिलते हैं. लुक टू योर ड्रीम्स एंड योर गोल्स, योर फियर ऑफ रिजेक्शन विल वैनिश. देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हम अपने में मुझे लोग रिजेक्ट कर देंगे, मुझे लोग नहीं सुनेंगे, मेरे बात को विश्वास नहीं करेंगे, यही सारे बातों को हम सोच के घर में बैठते हैं. लेकिन इस रिजेक्शन के डर से अपने आप को भगाइए. इस रिजेक्शन का डर से, इनकार का डर से अपने आप को निकाल लिए और आगे बढ़िए. क्योंकि आपको इस रिजेक्शन को नहीं देखना है, अपने सपनों को देखना, अपने गोल्स को देखना है. एंड लीव योर कंफर्ट जोन एज आई वाज टेलिंग यू. एंड द अदर थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज योर ड्रीम्स आर कनेक्टेड टू पीपल्स. ऑलवेज रिमेंबर, योर ड्रीम्स आर ऑलवेज कनेक्टेड टू पीपल्स. आपके सपने जो हैं वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं. लोगों के बिना आप कुछ नहीं है. लॉयर्स नीड क्लाइंट, डॉक्टर्स नीड पेशेंट, इंजीनियर्स नीड क्लाइंट्स. बट यू डू यू थिंक व्हाट यू नीड पीपल. Until and unless you go to peoples and you do not evangelize them, you do not go, meet them personally, then you will not be succeeded. You will never be succeeded. So if you want to be successful, then you need to go and meet the peoples. Thank you very much for listening to us, watching us. Thank you very much. Please subscribe our channels if you want to be notified. जब यदि आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोज आप देख सके तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों का जीवन सुधार में आप एक योगदान प्रस्तुत करें. थैंक यू वेरी मच.